जाते हो। मैं ये नहीं खरीदी दीदी। 25 स्टार्टिंग में बहुत तेज था, मैंने इसके प्लेट में देखे 15-16 गोलगप्पे थे, तो मैंने सोचा धीरे धीरे खाऊंगी, तो इसके पड़े मेरे 5-6। और भाई लास्ट टाइम पे इस बंदे ने इतनी तेजी दिखाई कि मेरे को पता नहीं कब हरा दी। मैं देखा प्लेट में 2 गोलगप्पे, मेरे बचे 5। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जस्ट मैं अपना काम खत्म करके आया ही था, और घर पे आके मैं क्या देखता हूँ, देखता हूँ कि ये लड़की यहाँ पे आ चुकी है, और आते ही सुबह सुबह गोलगप्पे खाना स्टार्ट हो गई है। चलो अच्छी बात है, ये आ गए, अब मुझे ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, आज खाना पीना भी सब हाथ में मिलेगा, सारा काम ये करके देगी। और हाँ, आज मैं अपने काम पर था तब मेरे साथ हो गया एक पोपट, और ये बच गया दूध। और जब भी हमारी डिलीवरी में दूध बचता है, आज मेरे से 2 लीटर दूध बच गया, तो कम से कम 1 लीटर तो घर पे लाना पड़ता है। तो हाँ, आज ये मैं घर पे लाया हूँ, ये मेरे नाम पे चढ़ेगा, मेरी सैलरी में से पैसे कटेंगे इसके। तो आज इसकी चाय बना के पीते हैं और बताते हैं आपको। वैसे मैंने कई बार चाय पी है, बहुत बार पी है, अंदर से आप पता लगता है कि हाँ ये अच्छा दूध है, इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है। मौसी, तुम हमारे घर पर क्यों आई हो? हम तो तुम्हें जब भी फ़ोन करते हैं तुम कहते हो हम आएँगे नहीं, हमें वहीं अच्छा लग रहा है। मौसी आज क्यों आई हो, ऊपर देखो। मौसी अपने बैग सिलने में बिजी हैं, इसलिए मौसी बात नहीं कर रही हैं। तो बस अभी आके घर पे बैठा ही था, चाय नाश्ता भी तो कुछ मिला नहीं मुझे, और आते के साथ ही दोबारा भेज दिया जाके इस मोटी बहन को जॉब पे छोड़ के आना है। उसके बाद मैं इसको छोड़ के आता हूँ, उसके बाद आके मिलता हूँ। चल मोटी चले। मोटी दीदी बाय। तो मोटी दीदी को छोड़ के मैं पहुंच गया हूँ घर पे, और अब फटाफट नहाते हैं और उसके बाद कुछ खा पी के फिर मिलते हैं। हाँ, मैं अपनी बहन को छोड़ के आया और मैं फटाफट उसके बाद नहा लिया। और इधर ये छोटी बहन होने का फ़ायदा है, ये अब सफाई करने लगी है, तो ऋचा बहन सफाई बाद में कर लियो, कुछ खाने को ला दे। गजब बेइज्जती है। ऋचा बहन प्लीज कुछ खाने को ला दो। देख मैं देख सुबह से कितना काम कर चुका हूँ, तब खाना ला लेंगे। सुबह 4 बजे उठ करके काम करके आ गया, मैं घर पे आया वापस आ कर कुछ खाने पीने कुछ नहीं, सीधा थोड़ी देर बातचीत की और सीधे जाके अपनी बहन को छोड़ के आया, अब आके नहा लिया। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजने जा रहे हैं, सुबह 4:30 बजे उठा हुआ बंदा 10:30 बजने जा रहे हैं, अभी तक एक अन्न का दाना नहीं गया। पंखा चल रहा है। तो गाइस, ऋचा से इतनी देर कहने के बाद उसने ये चाय बनी रखी थी, वो गर्म करके ला के दी, और ये ब्रेड ला के दिए। और उसके बाद ऋचा खाना कब मिलेगा बहन? अभी बनना शुरू नहीं हुआ? हाँ, तो सुन लिया आपने, अभी खाना बनना शुरू नहीं हुआ। अब टाइम देख सकते हैं 10:30 बज चुके हैं, अब देखो शायद आज 12 बजे से पहले खाना मिल जाए। नहीं मिलेगा, इतनी गंदगी क्यों है घर में। 11:30 बजे की तरफ ऋचा बहन ने मुझे बना के दिए हैं चावल। ये क्या है? दाल, अरहर की दाल। ये दाल मम्मी बना के गई थी, और ऋचा बहन ने बनाए चावल, देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। अभी ख़त्म करके फिर मिलते हैं। ये पापा इतनी बड़ी प्लेट में खा रहा है, नाम बताओ अपना मेहमान जी, नाम इधर देख के बताओ नाम। रिसु, तो इनका नाम है रिसु। रिसु चाय पिएगा, ये चाय का बहुत बड़ा दीवाना है, चाय पिएगा रिसु, बोल। वो भी खासकर हमारे घर। और ये जो इतनी बड़ी प्लेट में खा रहा है, इसको धो के रखेगा, कौन धोएगा इसको? मैं नहीं धोऊंगा, तू धोएगा। अगर तूने आज प्लेट नहीं धोई तो तुझे कल से खाना मिलना बंद। और अपना गिलास लेके आएगा कल से, बहुत गिलास गंदे करता है ये। नहीं, अपना लेके आएगा, साफ करो। मैं साफ करेगा? हाँ। प्लेट साफ करेगा अभी? पक्का? अच्छा ठीक है। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:30, और मैं दोपहर को खाना खाने के बाद सो गया था। फिर जब मैं 4 बजे मेरी आँख खुली, तब मैं जो कल गोलगप्पे चैलेंज वाला ब्लॉग किया है मैंने, उसको एडिट करने लगा था। उसको एडिट करते करते चाय मिली है, उसकी एडिट तो ख़त्म हो गई, उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगाई है, उसमें थोड़ा अलग तरीके से एडिट किया है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मेरी उस ब्लॉग से, देखता हूँ कैसे परफॉर्म करती है। कम से कम 100-150 व्यू तो आ जाने चाहिए। और जैसे ही मैं 4 बजे सो के उठा, मुझे सुनने में आया कि हमारे CA फाउंडेशन का एडमिट कार्ड आ गया है। तो हाँ, 24 जुलाई से मेरे CA फाउंडेशन के पेपर भी हैं, उनकी तैयारी भी करनी है, उसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी है। 3-4 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि किताबों को मैंने छुआ भी नहीं है। कोशिश करता हूँ अभी चाय ख़त्म करके थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ, और ब्लॉग को अपलोड पे लगा दूँ, थंबनेल बनाना है बस, बाकी सारी एडिटिंग तो लगभग कंप्लीट हो गई है। तो जस्ट अभी मैंने अपना फूड चैलेंज वाला ब्लॉग अपलोड किया, और उस पर आ गया कॉपीराइट क्लेम, पर खैर मेरे गांव से पैसे आते हैं तो नो वरीज। सुमित, जनता को बताना चाहोगे तुम गोलगप्पा चैलेंज हार कैसे गए? तुम तो जीत रहे थे।
स्टार्टिंग में बहुत तेज था, मैंने इसके प्लेट में देखे 15-16 गोल गप्पे थे, तो मैंने सोचा धीरे धीरे खा भी, तो इसके पड़े मेरे 5-6। और भाई लास्ट टाइम पे इस बंदे ने इतनी तेजी दिखाई कि मेरे को पता नहीं कब हरा दिया। मैं देखा प्लेट में 2 गोल गप्पे, मेरे बचे 5। तो इन शॉर्ट ये था इस रेस का खरगोश और मैं निकला इस रेस का कछुआ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो फाइनली टाइम हो रहा है, 10:05 कम है और हमारा खाना आ चुका है, तभी खाना खत्म कर लेते हैं। और मैंने वीडियो डाला तो वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस आ रहा है। सुमित, वीडियो कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मम्मी, वीडियो देखी तुमने? बहुत अच्छा। वीडियो कैसी लगी रिचा? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सुमित, तुम हार गए चैलेंज यार, लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे मतलब ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, पर व्हाट्सएप बता रहे हैं वीडियो अच्छी लगी, तुम्हारा काम अच्छा लगा, तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तो तुम कुछ कहना चाहोगे? अगली बार तुम्हें इससे भी ज़्यादा बुरी मौत दूंगा। अरे ऐसी बात नहीं, किसी को कोई मौत नहीं देगा। चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद पियेंगे चाय। चाय और चाय चाय पीना, चाय पीने का कोई टाइम नहीं होता, तो अभी चाय पीते हैं, उसके बाद फर्स्ट क्लास नींद लेते हैं, उसका सुबह उठते हैं, जल्दी काम पे भी जाना है, तो फिर मिलते हैं आपको कल। The next day. तो हम प्लान कर रहे हैं अपनी बड़ी बहन के लिए, अपनी मोटी दीदी के लिए एक स्कूटी। और सुमित, हमें क्या पसंद आया हम अभी दिखा रहे हैं, ये अरुण पवार की वीडियो ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये हमें पसंद आया अपनी मोटी बहन के लिए। तो देख के बता कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, इससे अच्छा तो मैं पैदल चली जाऊंगी। इतने ज्यादा लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे कि इतने BMW ऑडी लेने के बाद भी नहीं देखेंगे, जितने इसको इस स्कूटी पे बैठा हुआ, इस इलेक्ट्रिक स्कूटी पे बैठा हुआ देखेंगे। तो बताओ आप लोग क्या कहना चाहते हो? मैं चली जाऊंगी, मैं ये नहीं खरीदूंगी। दीदी 25 गाइस, आप लोग देख लो, मैं तो समझा के हार गया कि ये स्कूटी ले ले, ये बहुत सूट करेगी, इस पे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा लग रहा है कि मेड फॉर ईच अदर्स, पर ये मानने को तैयार नहीं हो रही। तो आप लोग कमेंट करके बताइए और कि ये स्कूटी इसको लेनी चाहिए या नहीं। अभी टाइम होने वाला है सुबह के 10:30 और आज तारीख है 22 जून। तो जैसा कि मैंने आपको कल रात के समय बताया था कि मेरा सी फाउंडेशन का एडमिट कार्ड आ गया था कल दिन में, तो उस वजह से पढ़ाई को लेकर मुझे सीरियस होना पड़ेगा, 24 जुलाई से मेरे पेपर हैं। तो अभी डेली तो ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाएगा, डेली ब्लॉग तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, पर हाँ मैं 2 दिन के अंदर कोशिश करूँगा कि हर 2 दिन में मेरा ब्लॉग आ जाए। और रात को 8:15 एकदम मतलब फिक्स टाइम है कि 8:15 तक तो मेरा ब्लॉग आ ही जाएगा, बस यही बताना था। और इसी के साथ एक और बात कि अगर घर में बहनें हों तो घर थोड़ा साफ तो रहता है, मतलब ये टेबल 3 दिन हो गए हैं, इसको मुझे बिल्कुल साफ़ नहीं करना पड़ा, घूम फिर के सुबह सुबह रोज़ मुझे साफ़ मिल जाती है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरी छोटी बहन को। और ये सुमित भाई की जो बीमारी है रील वाली, वो उसको भी लग गई, क्योंकि मैं तो अभी वैक्सीनेटेड हो चुका था तो मुझे उसकी बीमारी असर नहीं करी, पर रिच ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाई, अभी इसको बस 2 दिन हुए वापस आए हुए और ये बीमार हो चुकी है पूरी तरह। हाँ, ये भी इसकी वीडियो बनाता है और ये इसकी वीडियो बनाती है, अब ये दोनों एक दूसरे की वीडियो बनाते रहते हैं, और इसी वजह से इसकी शायरी, हाँ रिचा तेरी शायरी की बहुत तारीफ हो रही है, क्या सोच के तूने बोला था? दूसरी भी आई मुझे। नहीं 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 नहीं, वो खाते वक्त वाली मत बोलियो। अच्छा ठीक है। हाँ चल बता, सुना दो। मोह नाली में मुंह धो। वाह। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. तो चलो सुबह सुबह बिस्ती कराने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, अभी 9:30 जॉब से आता हूँ, उसके बाद 1 घंटा तो ऐसे घर में लग ही जाता है नहाने धोने खाने पीने चाय पीने में, तो 10:30 बज चुके हैं, अब बैठते हैं पढ़ने के लिए और उसके बाद मिलते हैं आपको 2-3 घंटे की पढ़ाई करने के बाद। तो अभी पढ़ना स्टार्ट ही किया था, मुश्किल से 1/2 घंटे पढ़ पाया हूँ कि लाइट चली गई, तो अभी खाना ले लिया है, खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद पढ़ाई आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 4:51, पढ़ते पढ़ते करीब 5 घंटे होने वाले हैं, बहुत थक गया हूँ, अब ब्रेक लूँगा। क्या हालत हो गई? ये मैथ पढ़ रहा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर कर रहा था, काफ़ी लंबा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 1/2 से ज़्यादा हो गया पढ़ते पढ़ते, और ये लाइट चली जाती थी, पसीना पहुँच रहा था, और जब ये फ्रिज चलती है तो बहुत गर्मी आती थी, इसको बंद कर रखा था, अब इसको भी चालू कर दूंगा। और ये वाला ब्लॉग भी एडिट करना है, जो भी शूट कर रहा हूँ, 8 बजे से पहले अपलोड करना, तभी 8:15 भी आगे आ पाएगा, तो इसको अपलोड करना है। तो काफ़ी अच्छा दिन बीता आज का, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है प्रोडक्टिव दिन था, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अंदर से अच्छा अच्छा फील हो रहा है,
और इसी बीच पढ़ते पढ़ते ही अलमारी जो यहाँ रहती थी वो अलमारी भी अपने घर पे शिफ्ट करवा दी है, ऑटो में रख दी थी। रिचा और मम्मी गए हैं साथ में, वो वहाँ जाकर अलमारी उतरवा लेंगे। तो अलमारी भी पहुँच गई, धीरे धीरे सारा सामान भी पहुँच जाएगा और हम भी पहुँच जाएंगे, लेकिन तब तक अभी यहीं गुजारा कर रहे हैं। तो चलो 5 बजने को आए हैं, थोड़ी चाय बना लेते हैं क्योंकि मम्मी तो वहाँ गई है, रिचा वहाँ गई है, घर में कोई है नहीं, मैं ही हूँ। तो चाय बनाता हूँ और उसके बाद चाय पी के ब्लॉग एडिट करके अपलोड करके फिर देखता हूँ शाम को, अगर टाइम मिलेगा तो शाम को थोड़ा और पढ़ लूँगा, वरना फिर अब कल ही करूँगा पढ़ाई, आज बहुत ज़्यादा हो गई। तो चलिए ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे और भी चैलेंजेस हो गए उनको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।